कि वहां कृष्ण भगवान बैठ करा रहे हैं, बड़ी पीड़ा हो रही। तो उसने कहा, अरे भगवान ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि हिरण पानी पी रहा और यहाँ आप निकल आए, मैंने तो बड़ा अपराध किया। कह लगे, भाई तुमने कुछ नहीं किया, मैंने रामा अवतार में पेड़ की ओट में होकर के हमने बाली को मारा था और बाली बहेलिया बना, तो फिर वो द्वापर में कृष्णा अवतार में उसने अपना बदला ले लिया। जब ऐसी ऐसी शक्तियों से ये बदले नहीं चुक सकते हैं, उनको भी बदला देना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास तो कोई शक्ति और ज्ञान नहीं, तुम कोई योगी तो हो नहीं, तुम तो मतलब यह है कि आप सिद्धि प्राप्त करने वाले तो हो नहीं, तो तुमको तो ये बदले देना ही पड़ेंगे। जब ऐसी ऐसी शक्तियों को देना पड़ा और किताबों में लिख दिया कि ये हमसे भी बदला नहीं चुक सकता, हमको भी देना होगा, लेकिन संत इस बदले को चुका देते हैं। उनके पास बदले के चुकाने का मसाला है, योगियों के पास नहीं है, सिद्धों के पास नहीं, ज्ञानियों के पास नहीं, तत्वदर्शियों के पास नहीं, संतों के पास में इसका मसाला है, इसको चुकाने का, और किसी के पास नहीं। तो आपको तो ये भेद मालूम है नहीं, फिर आपने तो कृष्ण को देखा नहीं कि आप जल्दी से कहोगे कि नहीं हम भी हैं। फिर जब आपने देखा नहीं तो पूजा किसकी कर रहे हो? अरे किताब में लिखा है कि तुम जाओ, अगर मुझको पाना चाहते हो, मेरा दर्शन करना चाहते हो, मेरे लोक में आना चाहते हो, तो जो मुझको पा चुके हैं तत्वदर्शी, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाकर और ज्ञान चक्षु द्वारा जिन्होंने मेरा साक्षात्कार किया है, तुम उनके पास चले जाओ, वो मेरा भेद बताएंगे और उनकी कृपा और मदद और सहायता से तब मेरे लोक में तुम आओगे। तो ये तो कोई मानने वाला है नहीं, तो बताओ फिर पूजा किसकी हो गई? तुमने खुद को अपने को धोखा दिया, खुद को भ्रम में रखा, खुद को अंधकार में रखा और खुद भटक गए। कौन बताएगा आपको, आपकी आत्मा की कौन रक्षा करेगा, कौन संभाल करेगा? माँ बाप कर नहीं सकते, धन दौलत कर नहीं सकता, राजा कर नहीं सकता है और लोग कर नहीं सकते हैं, तो इस आत्मा की रक्षा कौन करेगा? जो किताबों में लिखा हो आपकी समझ में आता नहीं, आप तो किसी महात्मा महान आत्मा को खोजते नहीं हो, और आपके पास भी चला जाए तो आप उसको पहचानते नहीं। इसलिए ये दिन ऐसे बुरे आए कि महान आत्माओं की बड़ी अवहेलना हुई, बड़ा तिरस्कार हुआ, बड़ी गाली गलौज, बड़ा उनका अपमान हुआ, बड़े शब्द भद्दे शब्दों से प्रयोग किया गया। लेकिन हमारा देश तो ऋषि मुनियों का, साधु संतों योगियों का देश है, फिर पीछे आपको अपनी जबान गंदी करोगे, मैली करोगे, पीछे पश्चाताप करना होगा। इसलिए सोच समझ के शब्द निकालो। तुम सब कुछ करते हो दुनिया में, लेकिन संतों महात्माओं के प्रति संभाल कर शब्द निकालो, ऐसे नहीं। तो इसलिए वो मनुष्य है जो अपनी जबान को संभाल करके रखते हैं और धीरज रखकर विवेक से काम लेते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं, लेकिन बुद्धि नष्ट हो गई हो और बुद्धि पर पागलपन का असर आ गया हो, जहर फैल गया हो, तो बुद्धि बेचारी क्या करेगी, वो क्या समझेगी? भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, योगियों का, महात्माओं का, आत्माओं का, ज्ञान का, विज्ञान का, उसकी समझ में क्या आएगा? तो इसलिए समुद्र भरा है आपके मनुष्य मंदिर में और महात्मा ये सब कर्मों को चुका देते हैं। कहीं सेवा कराकर, पानी पिलाकर, कहीं दवा दिलवाकर, कहीं रोटी खिलवाकर, कहीं झाड़ू लगवाकर, कहीं रात बताकर, कहीं रास्ते में खड़ा करके, कहीं बैठा कर, सर्दी में कभी गर्मी में, ये धीरे से यानी कर्मों को चुका देते हैं। उनके पास में रास्ते हैं चुकाने के, और अदला बदला जब चुका दिया तो वह छुट्टी पा गए। जब तक तुम अदले बदले नहीं दे सकते हो, तब तक कोई भी जीव काल के देश से, ये नरकों से, 84 से कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता। तो महात्माओं के यहाँ भाग भाग के रास्ते चुकाने के हैं, वो जरा से काम से चुका देते, उसको भी बुला लिया, उसको भी बुला लिया, मद्रास से भी बुला लिया, हिमाचल से भी बुला लिया, जंगल से भी बुला लिया, शहर से भी बुला लिया, हिंदू को भी बुला लिया, मुसलमान को और सिख को भी बुला लिया, और गरीब को भी बुला लिया, और अमीर को भी बुला लिया, और बुला करके बस एक दूसरे की
सेवा करा देते हैं, सेवा दिलवा देते हैं और कर्मों को चुका देते हैं कि भाई आप